एक छोटे से गणपति से प्रेरणा मिली। एक झोपड़ी का घर था तो छोटे से पप्पा रखा, पप्पा बड़े हुए मेरा घर भी बड़ा हो गया। बात नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज मैं कहाँ हूँ आप समझ गए हूँ, ये है गणेश विसर्जन। हर साल मैं आता हूँ, आपको यहाँ लाता हूँ, इस बार फिर मैं आया हूँ और देख रहे हैं आप गणेश जी का विसर्जन हो रहा है। लोग किस तरह हाथों में, कंधे पर और बहुत अच्छा बच्चों की तरह लेके जा रहे हैं। पूछते हैं कहाँ से हैं आप? कुर्मांचल नगर। कहाँ से? कुर्मांचल नगर। ये कहाँ है? इंदिरा नगर साइड। इंदिरा नगर से कितने दिन बैठा है? 11 दिन टोटल। 11 दिन बैठा है। कितने साल से बैठा है? लगभग 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो रहा है, कैसा लगता है? बहुत ज्यादा अमेजिंग। आज के दिन दुख होता है? अरे पूछिए ना, अभी सबसे पूछिए, हम लोग रो के ही आए हैं। बहुत दुख होता है। आप भी यहीं से हैं भाभी जी? तो क्या क्या होता है 11 दिनों में? 11 दिन पापा की आरती होती है, भोग लगता है, पूजा होती है सुबह शाम। घर में माहौल अच्छा रहे? बहुत बहुत अच्छा। मोहल्ले वाले भी तक रो रहे हैं, मतलब ये घर का घर के हैं मोहल्ले वाले सब। अच्छा, ये घर के गणेश जी हैं, घर में बैठाए हुए हैं। सारे मोहल्ले वाले भी हमारे इसमें। अच्छा, ये पूरे मोहल्ले के लोग हैं और घर के गणेश जी। अच्छा लगता है जब आप ऐसे उत्साह से त्योहार मनाते हैं, या कह सकते हैं धर्म से जोड़ते हैं, तो सभी लोग जोड़ते हैं और अच्छा महसूस होता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग यहाँ उदयगंज से हैं। कहाँ से? उदयगंज से। उदयगंज से कितने दिन बैठाते हैं? 11 दिन बैठाते हैं। 11 दिन घर के हैं मोहल्ले? कहाँ बैठा? घर के अंदर बैठाते हैं। घर के अंदर बैठा है, बहुत अच्छा। मतलब ये सब लोग घर के मोहल्ले के लोग हैं? नहीं, घर के लोग हैं, तो परिवार के लोग हैं पूरे। कितने साल से बैठा रहे? 7 साल हो गए हम लोग आज। कितने? 7 साल हो गए। 7 साल से बैठा रहे। कैसा लगता है? कैसा कैसा लगता है बैठाने? बस लग रहा है कि हम जा रहे हैं। दुख हो रहा है, ये कह सकते हैं कि एक दुख का समय होता है और वाकई होना चाहिए। ये तो 11 दिन तक हम लोग इतनी सेवा करते हैं और अब ऐसा लग रहा है घर खाली हो जा रहा है हमारा, तो बहुत अंदर से पीड़ा भी लग रही है। ये एक जो भावना होती है, ये भावना जब आप किसी को बैठाते हैं, गणेश जी को लाते हैं, उसके बाद होती है और इसको महसूस कर सकते हैं आप। अगर आप बैठाते हैं गोदी में हैं गणेश जी, बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ला रहे हैं, कहाँ के हैं गणेश जी? कहाँ बैठाया था ये? हमने अपने घर पे रखा है सर, ये 8 साल के हो गए हैं। कहाँ घर? अय्यागंज में है। अय्यागंज में तो 11 दिन बैठाते हैं जी। कितने साल से बैठा रहे हैं? हमारे 7 साल हो गया, 8वां साल है ये। 8वां साल है, कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। और इस वक्त दुख होता जी? दुख होता है, मतलब विसर्जन के वक्त जो दुख होता है वो महसूस किया जा सकता है। देख रहे हैं किस तरह गणेश जी को लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग लखनऊ से हैं, PGI के पास साउथ सिटी कॉलोनी है, वहीं से आए हुए हैं। घर में बैठाते हैं? घर में नहीं, हम लोग घर है लेकिन हमारा करीब 2000 स्क्वायर फीट का एक हॉल है, उसके अंदर हम लोग सामूहिक सब लोग मिल करके ही बैठे। साल से कर रहे हैं? ये 9वां है। 9वां साल? हाँ, 9वां साल है ये। ये कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा हमें रात में सोते समय स्वप्न में आया कि गणपति जी को स्थापित करना चाहिए। हम लोग चूँकि गायत्री परिवार से जुड़े हैं लेकिन कभी हम लोग गणपति जी को नहीं स्थापित करते थे, और एक साल स्थापना करने के बाद हमारे सारे काम बनते गए, इसलिए भाव बढ़ता गया, जिसमें कि हमने उनको स्थापित करने का हर साल ठाना है और अच्छे से कर रहे हैं। देख लीजिए ये गणपति बप्पा मोरिया का जो गणपति बप्पा। कहाँ कहाँ के हैं गणपति? नरही बालेश्वर नाथ मंदिर। जहाँ के ये गणपति हैं, ये गणपति क्या ही क्षेत्र हमारा रहा है, हम लोग उसी क्षेत्र से आते हैं और जो हमारा पूरा चैनल है नरही क्षेत्र में रहा है। ये जो उत्साह है ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में अब देखने को मिल रहा है और
बहुत अच्छा लगता है। जब आप ऐसा उत्साह देखते हैं तो आपको लगता है कि आप एक अच्छे तरफ जा रहे हैं, एक अच्छा कर्म की तरफ जा रहे हैं। इसको आप अगर जोड़ें तो लगेगा कि खाली धर्म के प्रति आपका उत्साह हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे कर्म की तरफ जा रहे हैं, ना कि धर्म की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो यूनिटी है, ये जो लोगों का जुड़ाव होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। एक संग जुड़ करके काम करना, ये धर्म में ही नहीं, ये किसी भी अच्छे कार्य में दिखता है। तो कह सकते हैं ये एक अच्छा कार्य है। कहाँ से हैं आप? हम लोग गोमती नगर से आए हैं। गोमती नगर से? आपने भी गणेश विसर्जन किया? नहीं। आप खाली देखने आए? तो देख लीजिए, ये भी एक उत्साह है। लोग अगर विसर्जन नहीं भी करने आते तो देखने आते, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से आ रहे? हम लोग काफी टाइम से आ रहे हैं। काफी टाइम से आ रहे हैं। हर बार आप विसर्जन देखने आते? जी, विसर्जन देखने आते हैं। ये भी एक अच्छी बात है भाई, अगर आप आते हैं तो कहीं ना कहीं जुड़ाव होता है धर्म से। चलिए, और लोगों से कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। 11 आप लोग अभी इतना उत्साह में हैं तो 11 दिन तो खूब बहुत अच्छे उत्साह में रहे। बिल्कुल, बहुत हस्ती, बहुत मजा आ रहा है। हम लोगों का गणपति बप्पा हमारे साथ है। हमने कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा होगा क्योंकि पापा जा रहे हैं, बारी सारी मस्ती खत्म, वो सारी मस्ती खत्म, लेकिन अभी भी वो मस्ती है पूरी। अभी जब तक हम लोग हैं तब तक मस्ती है। कितने 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 दिन आपने, मतलब कितने साल से कर रहे हैं ये? लगभग 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। फुल मजा है, फुल एंजॉय पप्पा के साथ। हम लोग 10 दिन पप्पा के साथ मस्ती करते, सारा काम छोड़ देते हैं सिर्फ पप्पा के लिए। ये कहाँ से प्रेरणा मिली 15 साल पहले? प्रेरणा हमने एक छोटे से गणपति से प्रेरणा मिली। एक झोपड़ी का घर था तो छोटे से पप्पा रखा, पप्पा बड़े में मेरा घर भी बड़ा हो गया। क्या बात है, वाह, मेरा घर बड़ा हो गया, 2 मंजिल का बन गया। पप्पा चाहेंगे तो पप्पा और बड़ा देंगे और सभी की मनोकामना पूर्ण करें पप्पा। क्या बोलेंगे गणपति बप्पा? अगले बरस तू जल्दी आना। ये देखिए उत्साह है लोगों में, ये उत्साह है, ये अंदर से जब उत्साह आता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए और प्रतिमा के पास जाते हैं। कहाँ से हैं आप? ये आलमबाग लखनऊ से। आलमबाग से? चंदन नगर आलमबाग, ममता माई मंदिर से। अच्छा, कितने दिन बैठा था मंदिर में? 10 दिन बैठाया गया। हमारे माजी का मंदिर है, हमारे गुरु जी है, उस मंदिर में इसको बैठाया गया, बाबा को, बाबा की पूरी सेवा। आपको मैं बता दूं कि ये मेरे घर के बगल के हैं और मुझे नहीं पता था कि ये चंदन नगर के लोग हैं। तो आप लोग कितने साल से बैठा रहे हैं? हम लोग आज ये चौथा साल है। आज चौथा साल है? हाँ बिल्कुल। गुरुद्वारे के आसपास? नहीं, हम नटखेड़ा रोड पे। नटखेड़ा रोड पर ममता माता मंदिर, हमारे गुरु जी थे। तो 4 साल पहले कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से? ये हमारे गुरु जी ने प्रेरणा दी कि आप लोग लाइए, इनको विराजमान करिए। हमारे गुरुजी ने प्रेरणा दी, हम लोग लेके आए, बिठाया, सबका साथ रहा, हम लोग चलते गए और गणपति के लिए। आपको सबसे अच्छी बात मैं बता दूं, चंदन नगर क्षेत्र है, जो ये क्षेत्र है, ये पंजाबियों का क्षेत्र है, सिख समुदाय का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी गणेश जी बैठाए जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ऐसे धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। बात करते हैं कहाँ से आप भी? चंदन नगर से? पंजाबी हो? हाँ जी, सारे पंजाबी हैं उसमें, खाली पंजाबी नहीं है, उसमें सिंधी वगैरह भी है मंदिर में। भैया दिल्ली से आए? दिल्ली। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुन, पूरा नाम? सुरेंद्र क्वात्रा। क्वात्रा, हम लोग 3 लोग दिल्ली से आए हैं। सिंधी कौन है इसमें? सिंधी। सिंधी तुम जो घर कितने आए? हम लोग सिंधी, मैंगवानी मीरा देवी। घर कितने आए? घर कितने आए? घर हमारा एक ही जगह है, इधर ही। ये दीदी आए दिल्ली से? आप आए दिल्ली से? बहुत अच्छा लगता है। सोच लीजिए इतना बड़ा उत्साह है कि लोग बाहर से आए। आप कहाँ से आई? दिल्ली से आए। दिल्ली से आप गणपति की पूजा के लिए आए? जी। हर साल आती हैं? जब वो बुलाते हैं जब भी आते हैं। हमारे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। दुख भी हो रहा होगा विसर्जन का? वो तो है ही, विसर्जन का दुख हो रहा है, लेकिन अच्छा लगता है। 11 दिन अच्छा लगता? हाँ जी, बहुत अच्छा। ये जो है, ये जो लोग कहेंगे कि ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन अच्छी बात है। ये खाली धर्म नहीं है, ये एक वर्क है, अगर आप गौर कीजिए, लोगों को जोड़ने का,
तोड़ने का नहीं, लोग जोड़ते हैं इससे, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले बरस फिर आऊँगा। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। मेरे संग जो कैमरामैन थे वो विक्की थे और मैं तुषार शर्मा। आप लोग भी सोचिएगा क्या वाकई ऐसा जोड़ना अच्छी बात है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।